सो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो भाई वापस आ चुके हैं अपने सोलो बोनस चैलेंज के गेम प्ले के अंदर, और ये वाले में भाई फाइनल जोन में जाकर गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। मैं आपको यहाँ पर अपनी बहुत प्यारी प्यारी जो मैं आपको बताता हूँ मैं रेजिस होल्ड करता हूँ वो दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपको कुछ पोजिशन बताने वाला हूँ जहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं जब भी आप सोलो खेलते हैं, और अगर आप उसको तरीके से होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप चिकन की तरफ आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो, जैसे हम पहले अपनी कॉन्करर पुश करने वाली में बता चुके हैं कि हमें पहले सबसे पहले गाड़ी ढूंढनी होती है, तो यहाँ पर हमें गाड़ी मिल चुकी है। और लूट करने के बाद देखो, मैं इस कंपाउंड के पास से निकल ही रहा था कि इधर मुझे थोड़ा फायरिंग का साउंड आता है और इधर की तरफ दो बंदे लड़ रहे होते हैं, डीपी वर्सेस कारल हो रहा होता है आई गेस। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपनी जो क्राउच पैन वाली जो ट्रिक है आप लोगों को मैंने बता रखी है, अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते हो, नहीं देखिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली व्यूज़ देते रहो भाई अपने, मतलब काम की चीज़ें बताता रहता हूँ मैं साथ साथ। तो यहाँ पर आप क्राउच और अगर पैन को ऐसे यूज़ करके चलोगे ना तो आपकी अब साउंड बहुत कम आएगी। वैसे ही इस बंदे को मेरे बिल्कुल फुटस्टेप नहीं आए और ये बंदा आराम से लूटने के बाद अपनी गाड़ी के लिए इधर की तरफ आ रहा था, और देखो जरा कैसे निपटाते इस भाई को। अब देख रहे हो इस भाई को बिल्कुल मतलब पता ही नहीं था कि इस जगह पर मैं बैठा हूँ, बिकॉज मेरे फुटस्टेप ऐसे नहीं आए, 20 मीटर दूर से फुटस्टेप आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो उसके बाद ये वन ऑफ दी बेस्ट कंपाउंड से मैं सोलो डुओ स्क्वाड तीनों खेलते हो यहाँ पर जरूर होल्ड करता हूँ। इस कंपाउंड का क्या सीन है, देखो यहाँ पर आपके पास छोटे मोटे घर मिल जाएंगे, कुछ एक घासें मिल जाएंगे, घर की जगह आप घासों में भी लेट सकते हो आराम से गाड़ी लगा के, और उसके अलावा आपको छोटी छोटी प्यारी प्यारी डिजीज मिल जाएंगे जिसकी बदौलत कह सकते हैं कि आप हर तरफ एक एंगल बनाकर देख सकते हो। और जब आप ये वाला एरिया जोन ऊपर से निकल जाएगा तो मैं सीधा इस वाले एरिया पे आ जाता हूँ जो पोचिंके के बाजू वाला बिल्कुल ऊपर की तरफ पहाड़ी है, लेकिन यहाँ पर एक डासिया वाला आता है, देखो जरा कैसे निपटाएंगे उस वाले भाई को। आई गेस इस बंदे के पास लेवल 3 का सामान रहा होगा, नहीं तो मतलब उतर जाना चाहिए था जितना मैंने स्प्रे डाला था इस पर, काफ़ी अंदर डैमेज पड़ा था। उसके बाद देखो भाई यहाँ पर हमें एक छोटा सा प्यारा सा रिज मिल जाता है बिल्कुल ओपन एरिया में इस शैक के पास में, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा एरिया है होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा होल्ड कर ही रहा होता हूँ कि मुझे लगता है कि जोन के बाहर से कोई आ ना रहा हो, तो मैं एक बार के लिए अपनी यूएसजी उठाता हूँ और थोड़ा सा सोचता हूँ कि बाहर घूम के आना चाहिए मेरे को, बिकॉज उस तरफ कोई सांप वगैरह होगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बीटी हो जाएगी बाद में, और जोन उधर से क्लोज हो रहा था तो वहाँ से बंदे आ सकते थे। इतना में यहाँ से निकलता है एक टीम अप। तो भाई टीम अप वाले इन कुत्तों में से एक को तो मैंने उतार दिया, मतलब भाई बोलना पड़ता है यार, भाई सोलो है, समझ नहीं आता ये डुओ क्यों खेलते हैं सोलो में भी। अब यहाँ पर देखो इनके ऊपर मैं एक नेट छोड़ता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या सीन होता है कि नेट पूरी तरह से आगे जाता नहीं और पीछे से एक और यूएसजी आ जाती है जिसका एक पीछे सांप से फाइट हो जाता है, और वहाँ पर मेरे को पता चलता है कि एक सांप भी मेरे पीछे लेटा हुआ था। तो देखो जरा कैसे फाइट लेते हैं इन तीनों बंदों से एक साथ। अब भाई सामने की तरफ नेट से हम उस बंदे को ले जाते हैं और अपनी गाड़ी के ऊपर स्मोक करके इजीली अपनी गाड़ी को यहाँ से निकाल लेंगे, बिकॉज स्मोक करना जरूरी था। अगर बिना स्मोक किए मैं ऐसे गाड़ी में बैठता तो आपको पता है वो सामने से स्प्रे ज़रूर करता। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत अपना बेसिक लूट मिल जाता है, थोड़ा एमो मिल जाता है, स्मोक ग्रेनेड वगैरह मिल जाते हैं। इसके बाद बारी आती है वापस जोन जाने की, तो गाड़ी तैयार करके मैं पूरे राइट से रोटेट करके जोन के अंदर जाऊँगा, क्योंकि देखो अभी तक 17 बंदे अलाइव हैं और 17 बंदे आपको पता है कि सोलो में 17 के मतलब 17 के 17 एक दूसरे के दुश्मन है, तो कोई अपना दोस्त नहीं है, सबको मारना है एक दूसरे को। तो मैं राइट से पूरा घुमा के वो जो सामने पहाड़ी होती है ना वहाँ पर मुझे छोटी छोटी प्यारी प्यारी डिजीज मिल जाती हैं। तो आप एक चीज़ आप ध्यान रखा करो, कभी भी जोन जाना होता है ना तो उससे पहले जोन के आउटर एरिया में कहीं पर रुक कर एक बार देख लिया करो कि जहाँ पर आप जाने की सोच रहे हो वो एरिया क्लियर है भी या नहीं। अब मैं यहाँ से राइट से पूरा रोटेट करके जा रहा था क्योंकि जिस एरिया में मैंने मार्क किया था वहाँ पर एक रिज थी, वो रिज मतलब ऐसी रिज है कि अगर आपने वो होल्ड कर ली ना तो आपको एक तरह से चारों तरफ का एंगल मिलता है, लेकिन रास्ते में मिल जाता है हमें एक ही बंदा।
तो भाई यहाँ पर मैं ट्राई तो करता हूँ इसको नोट डाउन करने का, लेकिन ये होता नहीं। आई डोंट नो बचा कैसे ये बंदा, शायद इस पर भी लेवल 3 का सामान रहा होगा या फिर शायद 1 या 2 HP का रहा होगा। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ पहले यहाँ रोकूंगा, लेकिन जब जोन स्टार्ट हो जाता तो मैं सोचता हूँ कि आगे जाके मैं रिच पकड़ूंगा ना तो इस बंदे को मैं अपने आप ही ले जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं पूरा आगे की तरफ जाकर जो मेरा मेन रिज है जो मैंने होल्ड करना था वहीं पर आ जाता हूँ और आराम से आके गाड़ी के बगल में लेट जाता हूँ ताकि मुझे हर तरफ का एंगल मिले। बाकी भाई अगर आप न्यू हो ना इस चैनल पे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाया करो, बिकॉज जहाँ तक मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है यूट्यूब पर, अभी तक अपने 1.5 के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, तो जितना जल्दी बढ़ेंगे उतना अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है भाई। तुम मेरे दोस्त हो यार, ऐसे करके ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ उसमें पैसे नहीं लगते, फ्री का होता है। लाइक का एम कुछ नहीं है, जितने अपनी श्रद्धा होगी उतने लाइक कर देना। अब यहाँ पर जो बंदा बाहर होता है जोन के वो जोन से ही मर जाता है, ये चीज़ मैं किल फील्ड में पढ़ लेता हूँ। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किल फील्ड को पढ़ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है किसी भी मैच में। मेरी तो इतनी गंदी आदत है कि मैं TDM तक में अब किल फील्ड पढ़ना स्टार्ट कर चुका हूँ। लिटरली मतलब सोच सकते हो कोई बंदा TDM में भी किल फील्ड पढ़ रहा है। मैं पढ़ता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली मतलब आदत हो गई किल फील्ड में, ध्यान जाता रहता है मेरा। अब इधर को मैं होल्ड कर रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कोई सीन यहाँ पे कट करना चाहिए। जोन मेरे से सिर्फ 5 मीटर दूर होता है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बंदा होल्ड कर रहा होता है यार। अब इस भाई ने ट्राई तो काफ़ी अच्छा किया था लेकिन इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया, इसको इजीली हम उतार देते हैं। अब इसके बाद देखो सामने मुझे डब्बा लूटना था और क्या सीन था, अगला जोन में से थोड़ा सा और आगे जाने वाला है। तो मेरा प्लान था कि अगर मैं सामने वाला पेड़ पकड़ लूँगा तो आई गेस मैं नेक्स्ट जोन में अंदर रह सकता हूँ। तो अब यहाँ पर रिस्क था कि अगर मैं स्मोक के अंदर भाग के जाऊँगा तो शायद मुझे मारा जा सकता है, तो मैं एक गाड़ी लेके अपना कवर बना के आगे जाऊँगा। लेकिन ये बंदा क्या ही फायर देता है भाई गाड़ी पे हमारे। तो भाई लोग मैंने यहाँ पर गाड़ी अपनी संभाली थी कि चलो बाद में काम आएगी, लेकिन वो बंदे की वजह से मुझे गाड़ी ब्लास्ट करना पड़ जाता है और लास्ट में जाकर वही BT होने वाली है। देखो 7 बंदे बचे हैं, तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, पहले तो इस बगी वाले को देखो जरा। मतलब एक पल के लिए मेरे को लगा कि ये बंदा गांजा फूक के बगी चला रहा है या फिर इस खोरतर से पड़ रही होगी। देखो देखते देखते यहाँ पर सिर्फ 5 बंदे बचे हैं और जोन राइट में चला गया, इसलिए मैं इस गाड़ी को संभाल के रखना चाहता था कि नेक्स्ट जोन के लिए मेरे को कवर मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, वो बंदा मेरी गाड़ी ब्लास्ट करवा देता है जिसकी वजह से मेरे को पैदल ही जोन में जाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या सीन होता है, 4 बंदे लाइव हैं, 2 बंदे अपने लेफ्ट में और 1 राइट में रहेगा, फिर भी ये मैच हम लोग चिकन डिनर निकालने वाले हैं। और रिफ्लेक्सेस आप थोड़े बहुत यहाँ पर देख पाओगे मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो अब यहाँ पर सिर्फ 30 सेकंड रह गए थे जोन जाने में। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किस्मत भी हमारा साथ दे रही थी, क्योंकि देखो हमारे पास सिर्फ 1 स्मोक था और राइट वाले बंदे से बचने के लिए वहाँ पर बीच में एक पेड़ था जिसकी वजह से वो मुझे नहीं देख पा रहा था और जोन में उसी की हेल्प से जा पाऊंगा। तो इसलिए सिर्फ स्किल्स डजंट मैटर भाई, आपके अंदर किस्मत भी आपके साथ देनी चाहिए। पबजी में वन ऑफ द बेस्ट चीज़ रहती है अगर किस्मत आपका साथ दे रही है तो। तो इधर को मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ 5-6 सेकंड रह गए हैं और 1 स्मोक 40 सेकंड तक रहता है, तो मैं थोड़ा आगे स्मोक डालकर पैदल मतलब लेट कर थोड़ा आगे जाने का ट्राई करता हूँ। और इसके बाद देखो जरा भाई कैसे इन दोनों बंदों का स्प्रे आता है और कैसे इन दोनों को हम वाइप करते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा भाई, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Ass out. Gotta put the woe in it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes on the fly about it. Catch you at the club, your dancer got me feeling body. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.